हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर जंक्शन दोस्तों की वर्ल्ड। तो देखिए, आजकल 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके थ्रू आप क्विक रिवीजन करके जा सकते हैं, और आगे जो लोग 9th से 10th में आए हैं, मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो कुछ शॉर्ट फार्मूलाज हैं। यहाँ पर हर चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको तैयार करके अपनी मैथ्स इम्प्रूव कर सकते हैं। डिटेल वीडियोज़ आएंगी अगले नेक्स्ट वीडियोज़ के सीरीज़ में। अभी ये सिर्फ फॉर्मूलेज वगैरह हैं जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, या फिर कह सकते हो पूरा चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो आएगा, जिसमें यूक्लिड ने दो नंबर्स को डिवीज़न दिखाया था, ए और बी। तो ए को अगर बी डिवाइड करता है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। आर मतलब रिमाइंडर, बी इज़ डिवीज़र, और ए जो डिवाइड होगा, क्यू इज़ क्वेश्चन। आर की जो वैल्यू होगी वो बी से छोटी होगी और जीरो से बड़ी या जीरो होगी। जैसे सपोज़ करें ए 5 है और बी 3 है, तो आर 0, 1, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें एक जो क्वेश्चन आ सकता है पी बाय क्यू की फॉर्म में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको शो करना होगा। तो पी बाई क्यू कहता है तभी टर्मिनेटिंग होगा जब उसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर 2 और 5 की फॉर्म में होगा, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो वो 2 और 5 की फॉर्म में निकलता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 या कुछ भी 2 और 5 आता है तो वही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हाँ, अगर 3 आ रहा है साथ में नीचे या कोई और नंबर, अगर ऊपर वाला नंबर उससे कट जाए, वो नीचे से एलिमिनेट हो जाए, तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड चैप्टर में आपका एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड तो इजी है, क्वेश्चन करके ही होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों इक्वेशन को एक साइड लिखना है, सारे नंबर्स को, a1x b1y c1, a2x b2y और c2। फिर आपने क्या करना है, एक्स वाई और वन को लिखना है, जैसे ये लिखा है, और स्टार्ट करना है बी से, बी सी ए। तो आपका होगा b1 c1 a1 b1, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं ख़त्म होगा। नीचे भी आपने वही करना है, b2 c2 a2 b2। जब आप क्या करोगे, फिर x को लिखना है, x अपॉन इसको क्रॉस कर देना है, ऐसे नीचे लाइन डालनी है, तीन तीन ऊपर की तरफ। तो जो पहला वाला होगा उसमें से दूसरा माइनस करना है, उसके नीचे लिख देना है b1 c2 - b2 c1। फिर जो दूसरा है y, उसको डिवीज़न लेना है, फिर से वही पहले वाला माइनस सेकंड केस, c1 a2 - c2 a1 a1 b2 - a2 b1। फिर आपने दोनों को कंपेयर कर देना है, x को 1 से कंपेयर करोगे तो ये वाला नंबर बनेगा, क्योंकि जैसे इन दोनों को छोड़ के एक बार इसको इससे कर देंगे तो ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बना इस तरीके से। y की वैल्यू निकालनी होगी तो ये नंबर आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। फिर जो कॉन्सेप्ट आता है वो जो एक नंबर का क्वेश्चन या तीन में आ सकता है कि बताइए एलसीएम एचसीएफ क्या है। तो जैसे एलसीएम दो नंबर का एचसीएफ आपको पता हो, ए इंटू बी एलसीएम पता हो, तो उन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। एक ये डिवीज़न एल्गोरिदम का क्वेश्चन है कि ये कर सकते हैं। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन लिखी, a1 b1 c1 a2 b2 c2, नोट करा, तो आपको ये चेक करना है इसमें कितने सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है लाइन, कि पैरेलल लाइंस बनती है, कोइंसिडेंट लाइन है, या इंटरसेक्टिंग लाइन के ग्राफ बनते हैं बिना सॉल्व करे। तो आप इस रेशियो से चेक कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2, सब में यही करना है। बट क्या बनेगा, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, नॉट इक्वल टू c1 upon c2 हुआ तो फर्स्ट कंडीशन ये पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। मैंने सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी एक लाइन जो है वही सेम दूसरी भी बन गई तो उसमें तीनों ही इक्वल आएंगे, a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2। ओनली वन सॉल्यूशन मतलब वो लाइन क्रॉस कर गई एक ही जगह पे, एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कटती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन a1 upon a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 upon b2 की कंडीशन होगी। तो आपने ये चीज़ें चेक करके ये भी बता सकते हो, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज देयर। तो ये आप कीजिए।
फिर आते हैं कुछ आइडेंटिटीज जो आपको करनी होंगी, ये आपके फोर्थ चैप्टर में मदद करेगी। और काफ़ी चीज़ें ये नाइन्थ में आप कर ही चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस एक्स प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब इंडिविजुअल आते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी अगर आता है तो। तो ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको करनी है थोड़ी सी। फिर जो आपका क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड आता है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज़ बताइए। अगर वो पूछे ये इसका जीरो है वैल्यू ऑफ के और एक्स निकालो, तो वो वैल्यू उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में। अदरवाइज़ वो कहता है अल्फ़ा बीटा दो इक्वेशन के जीरोज़ होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, इसे एक्स वन एक्स टू भी लिख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सम ऑफ रूट्स जो होंगे उन दोनों का प्लस कर देंगे माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो सी अपॉन ए, यानी इस इक्वेशन में से सी लिया और अपॉन ए करा तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर आएगा, और जो दो आंसर आएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके उनका मल्टीप्लाई के बराबर आता है। अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो ए बी सी डी तक जाएगा ये क्वेश्चन। तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि क्यूबिक है तो माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी अपॉन ए, यहाँ जो वैल्यू होगी उनको अपॉन में लिखना था। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू एट ए टाइम, ए अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इनको प्लस करेंगे तो वो सी अपॉन ए के बराबर आएगा। ये एक चैप्टर में एक एग्जाम्पल है, उससे आप कर सकते हैं, ये वेरिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज़ माइनस डी अपॉन ए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इससे ज़्यादा आता है, और अगर वो कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सम ऑफ रूट्स आपको पहले से ही दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा हो, तो यहाँ लिख देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक।